नमस्कार दोस्तों, अनूपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर के रूप में देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात और झील। ये जो प्रश्न है ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उन्हीं सारे प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है, और साथ ही साथ जो अन्य भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और साथ ही साथ एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इस प्रश्न में जो प्रमुख जलप्रपात हैं, जो प्रमुख झीलें हैं, इनको मेंशन भी किया गया है और साथ में किस राज्य में कहाँ पर स्थित है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, वूलर झील किस राज्य में है और किस नदी पर बना है। तो वूलर झील किस राज्य में है, देखिए वूलर झील है आपका जम्मू कश्मीर में है, और बना किस नदी पे है, तो ये झेलम नदी पे बना है। तो ये वूलर झील के बारे में आपको एक चीज़ और बता दें कि जो वूलर झील है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, ठीक है। साथ ही साथ तुलबुल जो परियोजना है वो भी इसी पर स्थित है। किस पे है, झेलम नदी पे स्थित है, ठीक है। और वूलर झील जम्मू कश्मीर में, इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील किस राज्य में स्थित है और उसका नाम क्या है। देखिए जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील की बात कर रहा है तो सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो है चिल्का झील, और चिल्का झील कहाँ पर है, ओडिशा राज्य में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इवन UPPCS जो मेंस का पेपर हुआ था 2015 में उसमें भी ये पूछा गया था। तो जो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात इसकी ऊंचाई की बात करें तो 455 मीटर है, 455 मीटर। देखिए यहाँ पे कई लोग जोगफल और कुचिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि जो जोगफल है वो भारत का सर्वाधिक ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना है, जबकि भारत की सबसे ऊंचाई वाला, सबसे अधिक ऊंचा वाला जो झरना है वो है कुचिकल झरना। तो ये चीज़ आपको देखना है। अगला है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। कोलेरू झील की बात कर रहा है तो कोलेरू झील जो है वो है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील है। निम्नलिखित में से कौन सा झील उत्तराखंड में स्थित है। देखिए इन जो तीन झील, चार ऑप्शन हैं, ठीक है, इसमें से आपको बताना है। डल झील, नहीं डल झील कहाँ पे है आपका, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील भी आपका केरल में है, केरल में। जबकि जो सात ताल झील है वो है आपका उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत के नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसमें कह रहा है कि किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो भारत के जो नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है, देखिए ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और पूछा जाए कि किस नदी पर है, तो ये इंद्रावती नदी पर है, ठीक है, इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट जलप्रपात को भारत के नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है। कौन सा झील राजस्थान में नहीं है, देखिए उदय सागर झील है,
पिछौल झील ये भी है, हुसैन सागर झील नहीं है, बाकी ये जैसमंद भी आपका राजस्थान में ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है जोग जलप्रपात अथवा गरसोप्पा जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जलप्रपात, नहीं। दूसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी जलप्रपात, ये भी नहीं। तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी जलप्रपात, जी हाँ महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा ये बताइए कि जो ये जोग जलप्रपात है अथवा गरसोप्पा जलप्रपात ये किस नदी पे है, ये आपको कमेंट में बताना है कि जो जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जो जलप्रपात है ये किस नदी पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है कोयना, गोकक, कावेरी नदी, दामोदर। इसमें जो गोकक है गोकक के नाम से ही है, तो ये गोकक नदी पे बना है। जो गोकक नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है, तो गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे है। अगला है निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है। तो रहस्यमय झील किसको कहा जाता है, ये रूपकुंड कहा जाता है, रूपकुंड। रूपकुंड कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो जो मुंबई की जो मीठी नदी है, मीठी नदी पूछा जाए ये भी कि मीठी नदी कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में है, और किस झील से निकलती है, तो ये बिहार झील से निकलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला है भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है। तो कौन सा है, ये है आपका दूधसागर जलप्रपात। कौन सा है, दूधसागर जलप्रपात आपका गोवा में स्थित है। ये दरअसल गोवा और जो कर्नाटक है उसके मध्य में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत के किस राज्य में फुल्लर झील अवस्थित है। तो फुल्लर झील जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये पीलीभीत जिले से निकलती है, पीलीभीत, और इसी झील से, इसी फुल्लर झील से निकलती है कौन सी, गोमती नदी। गोमती नदी, गोमती नदी को एक मात्र मैदानी नदी भी कहा जाता है। तो इतने सारे से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील केबिल रामजाओ किस राज्य में स्थित है। देखिए केबिल रामजाओ जो है वो है मणिपुर में। दरअसल ये केबिल जो लामजाओ है ये क्या है, नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, और ये जो लोकटक झील है वहाँ पे, लोकटक झील उसी पे स्थित है। इसे तैरता हुआ झील भी कहते हैं या तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहा जाता है। अगला है चपनाला झील किस राज्य में स्थित है। चपनाला, तो चपनाला जो है वो है आपका असम राज्य में, असम राज्य में स्थित है चपनाला झील। अगला है कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात का नाम बताइए। तो कावेरी नदी पे जो स्थित जलप्रपात है उसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का झील है। तो देखिए ऑप्शन है इसमें पुलिकट झील, कोलेरू झील, अष्टमुर्दी झील, फुल्लर झील। देखिए पुलिकट झील जो है ये एक लैगून झील है, तो ये क्या है, खारे पानी की झील है। कोलेरू झील भी खारे पानी की झील है, अष्टमुर्दी झील ये भी खारे पानी की झील है, जबकि जो फुल्लर झील है ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आपको पीछे बताया था कि फुल्लर झील से ही निकलती है गोमती नदी। अगला है महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है। तो जो महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील है वो है एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील किससे बनता है, क्रेटर झील दरअसल ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है,
तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्रेटर झील का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित होता है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है वेलिंगटन द्वीप निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है। तो जो वेलिंगटन जो द्वीप है वो आपका वेम्बनाड झील यानी कि केरल में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विंडम फॉल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो विंडम फॉल जो है वो आपका मिर्जापुर जिले में स्थित है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।